हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल डबल झरोका। आज हम आए हैं जीण माता। तो शेखावाटी का पहला रोपवे यहाँ जीण माता मंदिर में लगाया गया है। रोपवे जो है वो जीण माता जो नीचे का मंदिर परिसर है वहाँ से लेकर जो ऊपर काजल शिखर है, देखो आप यहाँ देख सकते हो, ये है काजल शिखर, ये वाला जहाँ जीण माता ने तपस्या की थी, और वहाँ एक लगातार एक ज्योत जो है वो जलती रहती है, और कहा जाता है उसका तेल जो है वो दिल्ली से आता है, और जो काजल है वो श्रद्धालु अपनी आँखों वगैरह में लगाते हैं। तो यहाँ से लेकर ये वहाँ तक आप देख सकते हो, नीचे देखो वहाँ तक ये रोपवे बनाया गया है, और ये शेखावाटी का पहला रोपवे है, जीण माता रोपवे के नाम से जाना गया है। अभी नवरात्रि में इसको शुरू किया गया था, उससे पहले इसका जो ट्रायल जो है वो लगातार चल रहा था। यहाँ से लेकर और वहाँ तक जो दूरी है वो लगभग शायद 500 मीटर है, एक साइड 250 मीटर पकड़ो आप, तो ये 500 मीटर का जो रोपवे है वो बनाया गया है, और इसमें लगभग 8 करोड़ की जो लागत है वो आई है। और ये जो ट्रॉली आप देख पा रहे हो, इस ट्रॉली में एक बार में लगभग जो 6 लोग सवारी कर सकते हैं, तो ये 18 लोग हो जाएंगे, एक बार में 18 लोग आ जा सकेंगे। ये एक ट्रॉली जाती है, एक तुरंत वापस आ जाती है, कंटिन्यू ये जो है चलता रहता है। और इसका जो किराया है वो जो एडल्ट है उनका किराया 120 रुपये बड़े लोगों का, और जो छोटे बच्चे हैं उनका जो किराया है वो 70 रुपये रखा गया है। तो चलो हम वहाँ से इसका सफ़र करते हैं, और इसके आगे के बारे में जो जानकारी है वो आपको देते हैं। धन्यवाद। देखो यहाँ नीचे ये ऊपर जो आप देख पा रहे हो, यहाँ जो ये लोग देखो चढ़ रहे हैं, यहाँ ये सीढ़ियाँ आप देख पा रहे हो, पहले ये सीढ़ियाँ जो अभी भी जा रही है, पहले भी जा रही थी, ये सीढ़ियाँ जो है वो काजल शिखर पर जाती है। देखो यहाँ पर भी देख सकते हो आप, ये वाली सीढ़ियाँ, ये वाली, ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती है, लेकिन इन सीढ़ियों से चढ़ने में लगभग 2-2.5 घंटा लगता है, काफ़ी परेशानी भी होती है, इसलिए ये सारी समस्या मेटने के लिए श्रद्धालुओं के लिए ये रोपवे जो है वो लगाया गया, ताकि सीढ़ियों से जो नहीं जा सकते, इतनी मेहनत नहीं कर सकते, वो रोपवे का सहारा ले सकते हैं। सामने यहाँ जो मंदिर का जो गुम्बद है उसको भी ऊँचा किया जा रहा है, लगातार जो काम है वो चल रहा है। तो लो गाइज, हम यहाँ आ चुके हैं नीचे, रोपवे का जो गेट है वहाँ आ चुके हैं, अब हम जा रहे हैं उधर, देखते हैं आगे का, आपको दिखाते हैं कितना पैसा लगता है, कितना टाइम लगता है, और क्या व्यवस्थाएं हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, कंटिन्यू। धन्यवाद। देखो ये यहाँ लगा हुआ बोर्ड, जीण माता रोपवे कंपनी शिवम प्राइम इंटर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड जयपुर द्वारा, और ये सामने वहाँ है, चलो हम चलते हैं वहाँ, बड़े आराम से आप यहाँ पहुँच सकते हो। ये है जीण माता का जो प्राचीन कुंड है, जीण माता प्राचीन कुंड, ये बहुत ही पुराना कुंड जो है आप यहाँ देख सकते हो। ये है अति प्राचीन जीण माता कुंड, पानी बहुत ज़्यादा बदबू मार रहा है, हद से ज़्यादा। जीण माता रोपवे यहाँ से एंट्री है, ये एंट्री है, एग्जिट यहीं है, और काफ़ी भीड़ लगी हुई है, टिकट खिड़की। ₹120 और ₹70 है। तो हेलो गाइस, देखो हमने टिकट ले ली है, और 2 जनों की टिकट ली, ₹120 पर व्यक्ति लगे हैं, ये टिकट मिलेगी आपको। वीडियो बना रहा है, वीडियो बना लेते हैं साथ साथ। ठीक, ये देखो यहाँ ट्रॉली लगी हुई है,
यहाँ एक बड़ा सा चक्रा लगा हुआ है, चक्रा जिस पर रोप एक लोहे की रस्सी बंधी हुई है, वो आप सामने देख सकते हो, वहाँ तक जाएगा ये, यहाँ तक। ये ट्रॉली ये गोल गोल घूमता है यहाँ, एक जाता है एक आता है। ये देखो यहाँ सांकल से बंधे हुए हैं ये परमानेंटली अटैच। यहाँ सवारियों को डाल दिया गया है, अभी घूमेगा इधर से, वो आएगा और ये जाएगा। हाँ इसका ले। तो हेलो सर, आपका नाम? आदर्श प्रताप सिंह। तो सर ये क्या व्यवस्था है, कैसे चलता है, कैसे काम करता है? ये अपना ऑटो और मैनुअल दोनों में चलता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक से? इलेक्ट्रिक से, इलेक्ट्रिक जनरेटर प्लस। तो सर ये कैसे पता चलता है वहाँ यहाँ, मतलब वो जाता रही आता? इसके लिए आपके सेंसर लगे हुए हैं। अच्छा, सेंसर और लिमिट स्विच, यानी सेफ्टी स्विच जिसे बोलते हैं। और एक ट्रॉली में कितने लोग बैठते हैं? एक में चार। एक में चार। और दूसरी बात, इसके पर डिपेंड करता है वेट के ऊपर, वेट पर, वेट के अकॉर्डिंग। अच्छा, और जो चार्ज है वो भी बता दीजिए। चार्ज यदि अपना 110 सेंटीमीटर से रहेगा 120 रुपये है, और जो 110 सेंटीमीटर छोटा 70 रुपये। अच्छा, और ये दूरी? दूरी इसका है लगभग 300 मीटर के आसपास। 300 मीटर ये वन साइड? वन साइड, दोनों साइड 600 मीटर हो गई हैं। कितनी लागत आई होगी इसमें? लगभग लगभग 9.5 करोड़ के आसपास। 9.25 करोड़? 9.5 करोड़। 9.5 करोड़। अच्छा, ये चालू कब से हुआ था? नवरात्रि। और मतलब ये जो सुविधा है वो 12 महीने कंटिन्यू है या कोई विशेष ऑफ रहता है कभी? नो नो, ऑफ नहीं रहेगा, कंटिन्यू जी 24x7। नो, ये लगभग अपना कम से कम 10 घंटे के आसपास चलेगा। 10 घंटे? सुबह कितने बजे से? 7 से लगभग 7-8 बजे रात तक। और शाम को? शाम को 8 बजे रात तक। 8 बजे ऑफ हो जाता है जी। और चाहे कोई सा दिन वो भीड़ हो चाहे नहीं, वो चालू रहेगा जी? चालू रहेगा। और मान लो इतनी भीड़ नहीं हो, ट्रॉली में इतने लोग नहीं हो, तो भी चलेगा? तो भी चलेगा, एक बंदा ही हो चाहे। और वहाँ आगे जो मंदिर है वो काजल सीकर? काजल सीकर माता। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू। अरे बीपी सर को डर लगता हुआ? मुझे आधा से मजा मिला था, बस थोड़ा 28 स्लो चल रहा है, बस पकड़ ले आया हमारी तकड़ी सही है। तो तुमको पंखा पंखा लगा रखा है कि सब स्पीड में? पंखा तो गर्मी हो रही है, आलू ही बने मात्र साल पंखा में बोला गया लाख से और भाई सही है। ओ ये क्या Okay.
ਹੈ ਰੇਲ ਚੱਲੇ ਜਾਂ ਚੱਲੇ सीढ़ियां भी ऊपर जा रही जोर आओ लगे रिंदो अपना जोर आओ लगो रिचार्ज वजन थम जाता है 64 किलो का तुल्य हो जी एरोप्लेन की सवारी कर रहे हैं देख लियो तो यहाँ लाग रही है पर वैसे वो कहीं पास उड़ जाए पास तो जा उन स्पीड नहीं उड़ जाए धीरे 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 हो जाए इस प्रकार हम यहाँ पहुंच चुके हैं।